नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती न्यूज टुडे। सीटीईटी में 2 जून तक आवेदन, बिहार टीचर्स न्यूज टुडे, डीएलएड भर्ती न्यूज टुडे। जानिए सब कुछ इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। डीएलएड में दाखिले के लिए 2 जून से करें ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित थी। सचिव परीक्षा नियामक ने जारी की समय सारणी। यूपी में डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 जून से शुरू होगी। मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में दाखिले के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्रतिपरा अधिकारी की तरफ से समय सारणी जारी कर दी गई है। संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वह आवेदन के दौरान पंजीकरण फॉर्म को फाइनल सेव करते समय अपनी प्रविष्टियों का मिलान करें और मूल अभिलेखों से आवश्यक एपीओ के लिए इंटरव्यू 12 जून से। सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 12 जून से शुरू होने जा रहे हैं। इंटरव्यू लगातार 5 दिन चलेंगे और 16 जून को समाप्त होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने मंगलवार को साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। एपीओ के 69 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में 220 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ये अभ्यर्थी अब इंटरव्यू में शामिल होंगे और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी। CET के आवेदन में 2 जून तक ही होगा सुधार। पटना CBSE ने CTET जुलाई 2023 को लेकर नोटिस जारी किया है। इसके अनुसार CTET के लिए आवेदन परीक्षार्थी यह सुविधा पहले की तरह पर मिलेगी। 2 जून के बाद सुधार नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो डिटेल एडमिट करने की अनुमति दी गई है उनमें करेक्शन किया जा सकता है। उम्मीदवार परीक्षा शहर में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुख्य पेपर 120 अंकों का होगा, जिसमें 80 संबंधित विषय से व 40 अंक सामान्य ज्ञान से। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। शिक्षक भर्ती वैकेंसी जारी। 15 जून से 12 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। BPSC ने 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 15 जून से 12 जुलाई तक लिए जाएंगे। जिस जिले में अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, क्रम से 3 जिलों का नाम देना होगा। 2012 से पहले नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें BTET, CTET व STET उत्तीर्ण की आवश्यकता नहीं है। अधिकरण 3 शिक्षक बनने की परीक्षा में शामिल कर सकते हैं। ऐसे होगी परीक्षा प्रक्रिया। 120 अंकों के मुख्य पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। 100 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक ला सकता अनिवार्य होगा। नंबर 2, नियोजित शिक्षकों और फ्रेश अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ होगी। 3, 6 लाख से कम अभ्यर्थी होने पर एक शिफ्ट में इससे अधिक अभ्यर्थी नहीं होंगे। श्रेणी पद और वेतनमान प्राथमिक कुल पद हैं 79,943 और श्रेणी विद्यालय शिक्षक अराजित वेतनमान 25,000 प्रतिमाह और भत्ते। माध्यमिक कुल पद हैं 32,916, श्रेणी विद्यालय शिक्षक अर्ध्यापित और वेतनमान रहेगा 31,000 प्रतिमाह। उच्च माध्यमिक कुल पद हैं 57,602, श्रेणी विद्यालय शिक्षक BEd या DLEd पास आवेदन करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के साथ DLEd व CTET या TET उत्तीर्ण होना जरूरी है। 9 व 10 के लिए स्नातक BEd व STET चाहिए। कक्षा 11 व 12 के लिए स्नातक के साथ BEd और STET होना चाहिए। प्यारे अभ्यर्थियों, एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट वालों की नई सूची बाद में जारी की जाएगी। आज 31 मई है और आज लास्ट डेट है अभ्यर्थन वापसी के, और जैसे ही अभ्यर्थन वापसी की सूची बन जाएगी और उसमें से जितने भी अवशेष विज्ञापन बचेंगे या पद बचेंगे उन पर जो है नई सूची जारी की जाएगी, और उसके बाद जा कर के वेटिंग लिस्ट वालों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।